हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ में फाइल में बना सकते हैं। यानी बस कुछ ही मिनटों में आप किसी भी फाइल को पीडीएफ बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद इस सर्च बार में आपको स्मॉल पीडीएफ लिख के सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो चलिए इसी पे देखते हैं। स्मॉल पीडीएफ सर्च करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी पीडीएफ को पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल को भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको कोई भी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम किसी जो फाइल को चूज़ करना है वहाँ से पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इस फोटो को देखते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पे डन कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो रही है, वो जो फ़ोटो पीडीएफ में होनी है वो देखिए यहाँ पे अपलोड हो रही है इस येलो कलर के सर्च बार में। कुछ टाइम लेती है ये। अब देखिए यहाँ पे हमारी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ नाउ में क्लिक करना है, जिससे हमारा पीडीएफ बन जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल जनरेटिंग हो रही है, हो गई। अब चलिए इसे डाउनलोड करके देखते हैं कि कैसी है, बनी है पीडीएफ फाइल। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो रहा है ये देखिए। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए हम हमारी फाइल पूरी तरह से पीडीएफ बन पीडीएफ में हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे किसी को भी इस फाइल को सेंड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह में किसी को भी प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर आपको गूगल ड्राइव में सेव करना है तो गूगल ड्राइव में भी आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो।